Hello friends, welcome to our new V blog. Hoping all of you are doing great. It is Memorial Day weekend and we are going for a picnic with few of our friends. Let's go there and then we'll talk more about it. अभी हम पिकनिक एरिया में पहुंच चुके हैं. वी जस्ट पार्क अवर कार और ये जो आपको शेल्टर दिखाई दे रहा है यही हमारा मेन स्पॉट होगा पिकनिक के लिए. हमने अपना सारा सामान अरेंज कर लिया है. मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूं इस पिकनिक शेल्टर का और साथ ही साथ कुछ जानकारी भी शेयर करता हूं. ये जो शेल्टर दिखाई दे रहा है आपको ये अमेरिका में 1930 के टाइम फ्रेम में डेवलप हुआ था और ये एक प्रोग्राम था अमेरिका में WPA जिसमें स्थानीय लोगों को काम पर रखा जाता था और उनका पेमेंट फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती थी. अभी आप जब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई देगा जिसमें एक मैन काम करता हुआ बना हुआ है और इस WPA प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. ये प्रोग्राम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने प्रमोट की थी. इसका मेन मोटिव था कि जो मंदी का टाइम था, डिप्रेशन का टाइम था, उस समय पर लोगों को रोज़गार दिया जा सके और इसमें सभी तरह के लोगों को काम मिलता था, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो. जिसके पास जैसी स्किल थी, जो जैसा काम कर सकता था, उस आधार पर उन्हें काम पर रखा जाता था. अभी पिकनिक स्पॉट पर थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम लोग फूड प्रिपरेशन करेंगे. अमेरिका में पिकनिक स्पॉट पर इस तरह के ग्रिल्स अवेलेबल होते हैं जहां पर आप अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं.
अरे बढ़िया, अरे इज इट गुड, कैसा लग रहा है? ऊपर ऊपर लग रहा है। हां ठीक है ना, पकड़ेगा ना सबको? पकड़ेगा धीरे धीरे, हवा ना ऐसे। अरे वेयर इज स्पाइडर? इधर है, इधर है स्पाइडर, इधर पे प्याज और टमाटर और डाल थोड़ा। हेलो ओवी, क्या कर रही है? हेलो माय माय मम्मा गुड्डे, चल हेलो, यू गॉट पेसिफायर? हेलो आंटी, हेलो हेलो आंटी, हेलो अभी हमने ग्रिलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मीनवाइल मैं आपको बॉनी पार्क पिकनिक एरिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। बॉनी पार्क पिकनिक एरिया एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो मिल स्ट्रीट रन रिजर्वेशन के एलबेन के हिस्से में आती है। 1924 में क्लीवलैंड के एक डॉक्टर ने इस जगह को एज ए पिकनिक एरिया डेवलप करने के उद्देश्य से ख़रीदा था और उस डॉक्टर ने ही इसका नाम बॉनी पार्क रखा था। उसके 10 साल बाद 1934 में क्लीवलैंड मेट्रो पार्क ने इस जगह को उसे ख़रीद लिया, पर क्लीवलैंड मेट्रो पार्क ने इस जगह का नाम बदला नहीं और उसे बॉनी पार्क ही रहने दिया। इस पार्क में लगभग वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप एक पिकनिक एरिया में देखना चाहते हैं, जैसे कि बिजली, ग्रिल्स, पार्किंग, पिकनिक टेबल्स, वॉशरूम्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। यह पिकनिक एरिया पर्ल रोड रूट नंबर 42 के ईस्ट में स्ट्रॉन्ग्सविल के वैली पार्क पर है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पर बॉनी पार्क क्लीवलैंड पिकनिक एरिया सर्च कर सकते हैं, ये आपको ईजिली इस लोकेशन को ट्रैक कर देगा। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारा जो ग्रिलिंग का स्टेटस है वो लगभग 50% कंप्लीट हो गया है और रॉ चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं, उनको हमने ग्रिल में रखने स्टार्ट कर दिया है। अभी इस समय पर हम सभी कुकिंग एंजॉय कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं आर्या भी मस्ती कर रही है, उसके लिए एक साउंड स्पीकर लाया हुआ है जिसमें गाने चल रहे हैं और आर्या उसमें डांस कर रही है। और फिर लगा देते हैं नॉनवेज वाली पेटी और यार वो भी
लगता है ये बिना बिना बर्गर के भी खा सकते हैं इसे। आ गया ओल्ड है। नहीं नहीं अभी सही। कितने वेज वाले हैं? वेज वाले दो। हाँ चलो करो इधर पाओ। हाँ इधर आओ। हाँ चलो डू इट। ऊपर करो ऊपर। हाय अभी हमारा फूड प्रिपेयर हो चुका है बैचेस में, तो हम बैचेस में ही कुक करेंगे, बैचेस में ही खाएंगे। इस समय पर आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रिल्ड आइटम्स फुली कुक्ड एंड डिलीशियस रेडी हैं और हम सभी अभी इसे एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारा ग्रिलिंग का सेकंड बैच रेडी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम शॉर्टली अंदर पिकनिक शेल्टर के लेकर जाएंगे और विल स्टार्ट ईटिंग इट। अभी हमारा इस पिकनिक में लंच टाइम इज़ ओवर। ईटिंग एंड कुकिंग इज़ कम्प्लीटेड। इट्स टाइम फॉर सम फन प्ले। आर्या अपनी मस्ती में खेल रही है और ग्रुप के बाकी सदस्य फोटो और वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं। अभी हम सभी वॉकिंग के लिए निकले हैं, तो अगर जब भी आप कभी इस
पिकनिक साइट पर आएँ, टहलें और आनंद लें, तो इसके हिस्ट्री के बारे में ज़रूर याद करें। यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन के समय स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर ने इसी स्पॉट पर काम किया था और उन्हीं के काम की वजह से ये सारी प्लेस इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड हैं। अभी हम बॉनी पार्क के पार्किंग एरिया से होकर गुजर रहे हैं। काफ़ी सारे व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफ़ी फेमस एरिया है, लोग यहाँ पर वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग के लिए आते हैं। इस एरिया में कई सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसके बारे में इस बोर्ड पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। रीसेंट ईयर 2017 में क्लीवलैंड मेट्रो पार्क को ओहियो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी OEPA और वाटर रिसोर्स रिस्टोरेशन स्पॉन्सर प्रोग्राम WRRSP के द्वारा इसके पीछे बहने वाली रॉकी रिवर के पानी की क्वालिटी को ठीक करने और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को एक अच्छा वन इन्वायरमेंट देने के लिए लगभग $1.8 million का ये प्रोजेक्ट बॉनी पार्क को ओहियो EPA और एक्रोन सिटी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। आज के वी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा है आपको ये वी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य वी ब्लॉग देखने के लिए बने रहें चैनल पर। मिलते हैं।